हरे कृष्णा माता जी, कैसे आप? हरे कृष्णा माता जी, आप स्कोन में पहली बार आए हो? नहीं नहीं पहले भी आए हो? कितना टाइम हो गया आपको स्कोन में आते हुए? काफ़ी साल हो गए अब तो। काफ़ी साल हो गया। जन्माष्टमी अटेंड नहीं की थी, उसके बाद से आई। तो आप जन्माष्टमी, पिछली जन्माष्टमी और इस जन्माष्टमी में क्या डिफरेंस लगा आपको? काफ़ी डिफरेंस है काफ़ी, जैसे मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे, सब कुछ बहुत स्मूथ था इस बारी। सेकेंड टाइम तो क्या फील किया आपने? बहुत अच्छी वाइब्स थी, बहुत अच्छा रहा सब कुछ, और रश था लेकिन बहुत अच्छा था, मज़ा आया। मतलब हाँ, बस कृष्णा के दर्शन हो गए वही बहुत था। ओके माता जी, आप स्कूल में पहली बार आए हो, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया। प्रभु जी, फर्स्ट टाइम आए हो आप स्कूल में? ये सर फर्स्ट टाइम। आप भी फर्स्ट टाइम आए हो स्कूल में, आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ स्कूल में आकर? बहुत ही अच्छा लगा, शांति माहौल है यहाँ पे, बहुत हर किसी की बहुत वेल सेटल्ड है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा वाइब था, पॉजिटिविटी था। आप पहले भी आए हो टेंपल में? पहले आते रहते हो। पिछली जन्माष्टमी और इस जन्माष्टमी में क्या डिफरेंस है? जैसे मैं तो यहाँ नहीं हूँ, मेरे लिए इट्स लाइक वेरी नाइस, बहुत ही पॉजिटिव वाइब है यहाँ की, पहले और बहुत अच्छा लगा। मैं पिछली बार भी आई थी, पिछली बार सेकेंड एक्सपीरियंस है, सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम में और फर्स्ट टाइम में क्या डिफरेंस रहा, क्या फील किया आपने इस फोन का? मतलब इस टाइम मुझे लगा थोड़ा सा अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब अच्छा है? अच्छा लगा, अच्छा पहले से बेटर है काफी। पिछली बार बहुत लाइंस और बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट इस बार बहुत स्मूथ है, मैनेजमेंट काफी अच्छा रहा। रेगुलरली फोन आ गया? हाँ जी बिल्कुल। तो आपने भगवत गीता पढ़ी है? भगवत गीता नहीं पढ़ी है। आपने कभी ऑनलाइन क्लासेस लिया भगवत गीता? नहीं। क्या देखने के लिए मिला फर्स्ट टाइम ऐसा? काफी अच्छा था व्यू, काफी अच्छा था अंदर का, बहुत ही मतलब जैसे एकदम से हमें बहुत जोश आ गया, एकदम से एनर्जी आ गई, पॉजिटिविटी थी काफी। शांति है यहाँ पे, बहुत शांति है, सुकून है, क्योंकि यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स है बहुत सिस्टमैटिक वे में हो रही है, तो लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सारी जगह पानी की फैसिलिटीज़ है, गर्मी है क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को तो अच्छा लगा यहाँ आके। मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी है। सारे आई थिंक इस्कॉन के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, यूथ फॉर्म, गर्ल्स फॉरम, गोपाल कृष्ण, गोपाल किड स्कूल, सब कुछ काफ़ी अच्छे से स्टॉल्स में इलाबोरेट कर रखे हैं। बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं जो सब इन प्रोग्राम्स की जानकारियाँ दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी एक्सप्लेन डिटेल्ड स्टॉल्स हैं। इस्कॉन से इंस्पायर हुए भगवत गीता पढ़ने के लिए अभी तक? हाँ पढ़ूंगी जरूर। और आप और आइए, आपने परचेज करी है? हाँ जी। भगवत गीता पढ़ते हैं आप माता जी? नहीं पहली बार। कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, मोटिवेशन जो है उसका पढ़ने का आपका यहीं से ही आएगा। हाँ जी। भगवत गीता पढ़ते हो? नहीं नहीं अब तक तो नहीं पढ़ा है, लेकिन स्कूल में आने के बाद आपको एक्सपीरियंस हुआ कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए? हाँ डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। और इस्कॉन तो देखो, इस्कॉन मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, जहाँ कृष्ण वहाँ मैं, क्लोथ्स के हैं वहाँ पे, जहाँ गोपी ड्रेसेस मिल रही है, साड़ीज मिल रही है, मतलब कॉटन की साड़ीज मिल रही है, जपा माला मिल रही है, तुलसी माला मिल रही है, तो वो देखा मैंने, और फूड का जो वो है काउंटर है वो देखा मैंने, और गर्ल्स के लिए भी है इस्कॉन गर्ल्स फोरम, गर्ल्स फोरम भी है। हाँ जी, और काउंसलिंग के लिए भी है वहाँ पे, तो हाँ मतलब ये सब मैंने देखे हैं। फूलों की वो सारी अच्छा कर रहे थे, और अभिषेक करके जो लेकर जा रहे थे स्टेज पे, फूलों की वर्षा हो रही थी, वो सब देखा था। स्टॉल्स अच्छे लगे काफ़ी, दर्शन भी अच्छे हुए काफ़ी, दर्शन भी अच्छे हुए। और जो प्रॉक्स लगे हुए आपने देखे होंगे? जी जी जी। तो उस प्रॉक्स के बारे में क्या, मतलब आपने क्या सीखा, क्या देखा, क्या डीपली नॉलेज लिया आपने? जो भी छोटी छोटी कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं सबको दर्शाते हुए कुछ कुछ स्टॉल्स हैं, कर रखे हैं। हाँ डिस्क्राइब कर रखा है, जैसे वो वाली है गोवर्धन वाली लीला है, या कालिया नाग वाली लीला है, तो काफ़ी अच्छे से इस बारी वो भी एक अट्रैक्शन है। आगे अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को भी बोलोगे कि वो भगवद गीता जरूर पढ़े? हाँ, और आप भी खुद पढ़ोगे? अभी आप टेम्पल विजिट करके आया, तो टेम्पल में आपने क्या फील किया? फील यही किया कि बहुत अच्छा था, जैसा भी था, मतलब इधर अंदर आने तक रश बहुत है, लेकिन जो भगवान के दर्शन हो उसी में हम खुश हो गए। वैसे नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि ऐसा लगता है कि सभी को पढ़नी चाहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी
पढ़नी चाहिए, अपने फैमिली को भी पढ़नी चाहिए। हाँ, सबको पढ़नी चाहिए। ये लगता है आपको? बिल्कुल। और कुछ फीडबैक स्कॉन के बारे में, कुछ फीडबैक या पंडाल के बारे में? बिल्कुल, आइए यहाँ पे और बहुत सुकून मिलेगा, बस और क्या, सुकून की जगह है ये। तो आप ये कहना चाहते हो, इंस्पायर हुई हूँ मैं स्कॉन आने के बाद, इंस्पायर हुई हूँ भगवदगीता, और मैं डेफिनेटली घर जाके भगवदगीता पढ़ूंगी और दूसरों को भी स्कॉन आने के लिए और प्रेरणा दूंगी और प्रीच करूंगी कि सारे बंदे भगवदगीता जरूर पढ़े। मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, ये भी था कि भीड़ भी पहली बार एक्सपीरियंस किया, बट बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत लोगों से मिले भी, बातें भी हुई। पहले के टाइम में दर्शन, पहले के टाइम में थोड़ा रश ज़्यादा रश होता था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था दर्शन, मतलब कि एकदम लाइंस में एंट्री करी और एग्जिट हो गई, ऐसे होते थे। लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा 15 सेकंड दर्शन आराम से हो रहे हैं, तो ये डिफरेंस आया पहले से और अब में। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत लोगों से मिली, हम फूल भी तोड़ रहे थे, जो सेवा जो आपने सेवा कर रहे थे फूल वाली जो सेवा कर, हाँ जी हाँ जी, तो सारे थे वहाँ पे, बातें हुई, जाना लोगों को, तो बहुत अच्छा लगा। टेम्पल में तो है ना? हाँ, टेम्पल में तो बहुत बढ़िया था सही में, मतलब नहीं इतनी, मतलब भीड़ तो काफ़ी है लेकिन मज़ा बहुत आया एकदम, मतलब पॉजिटिविटी थी अंदर, काफ़ी जोश आ रहा था देख के लोगों को, लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे थे, हम भी हो गए थे उनके साथ, घुल मिल गए थे। आपको हरे कृष्णा हरे रामा मंत्र आते वैसे? नहीं, कोई नहीं, आप धीरे धीरे बुक पढ़ोगे आपको हरे कृष्णा महामंत्र आ जाएगा और आप इसी तरह से थोड़े टाइम बाद ऐसे ही डांस करते हुए मिलोगे। तो ज्वाइंट होना, कनेक्ट रहना इस्कॉन से और आते रहना, ठीक है? हरे कृष्णा। तो काफ़ी अच्छा बोला माताजी ने और काफ़ी एक्सप्लेन करा इस्कॉन को, इस्कॉन के टेंपल को और पंडाल को, जो भी प्रॉप्स लगे हुए थे उसको काफ़ी एक्सप्लेन किया। तो हरे कृष्णा।